नाउ मैं मेन स्टेज पे कैसे आया विद वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड? वेल, आपको खुद देखना पड़ेगा। आज एक नॉर्मल दिन है, बट कल सनबर्न 2022 है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल। नाउ मेरा गोल है बैक स्टेज स्नीक इन करना बिना टिकट्स के। नाउ अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास एक प्लान नहीं है। हाय बॉयज, ये है मेरा दोस्त प्रयाग। हाय बॉयज, हाउ आर यू? इसे आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा। झुकेगा नहीं साला। नाउ इसे लगता है कि मैं सनबर्न में स्नीकिंग नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? नहीं, कर ही नहीं पाएगा भाई, पक्का नहीं कर पाएगा तू। चल बैट लगाते हैं। कितने की बैट? तू बोल। चल 500 की। चल सुन, ना तेरा ना मेरा 700। ठीक है 700। भाई देखो 700 की बैट लगी है, ये नहीं कर पाएगा। गाइस मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं स्नीकिंग कर पाऊंगा, मैं 500 से ज्यादा लगा देता बट मैं लगा नहीं रहा हूँ। ये क्या है भाई? भाई 500 की बैट लग चुकी है। शेक हैंड। 500 की बैट लग चुकी है, शेक हैंड हो गया। लेट्स वेट फॉर टुमारो। हाय बॉयज, मैं अभी स्टेडियम के बाहर हूँ एंड यहाँ पे कल कॉन्सर्ट होगा। नाउ भी मैं जिस जगह घूमूंगा देखूंगा कि ये जगह कैसी है। काफी बड़ी जगह ही है एंड बहुत सारी सिक्योरिटी भी है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी है। Guys, I don't know किस alien language में ये लोग communicate कर रहे हैं। Hey, yeah, 127. Next, मैं जब जगह explore कर रहा था, मुझे कुछ local लोग मिले और उन्होंने मुझे एक दो tips दी thinking करने के लिए, जो probably कल काम आएगी। Right, ladies and gentlemen, मैं अभी area के बाहर हूँ। Just यहाँ पे सनबर्न है, ये रहा। And अभी सब लोग मुझे अलग नजर से देख रहे हैं क्योंकि मैं लॉगिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने एलन वॉकर के साथ सेल्फी ली एंड वीआईपी एंट्री का साइन फॉलो करते हुए पीछे के साइड पहुँच गया जहाँ एंट्रेंस बंद हो रहा था। यहाँ से डायरेक्ट अंदर? हाँ, यहाँ से डायरेक्ट, पर वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी है। गाइस फुल टाइट सिक्योरिटी हो रखी है अभी। हाय बॉयज, अटेम्प्ट 1। जस्ट चल चल चलते हैं अंदर, चले। नेक्स्ट कॉल पे बात करते हुए एंड सीधी लाइन पे चलते हुए मैं सरप्राइजिंगली इवेंट के अंदर घुस गया। हाय बॉयज, आई एम फाइनली इन। ये पता नहीं कैसे बट फोन पे बात करते करते मैं इवेंट के अंदर आ चुका हूँ। नेक्स्ट फोन में बात करते करते मैं आगे चला गया एंड देन एक टेंट टाइप की जगह मिली रुकने के लिए एंड जस्ट मेरे को यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। हाय बॉयज, ये पता नहीं कैसे पॉसिबल है बट मैं अभी लिटरली इवेंट के अंदर हूँ। एक पीछे बैकडोर एंट्रेंस था एंड जब सारी गाड़ियाँ जा रही थी तो मैंने गुड ओल्ड फ़ोन वाले ट्रिक से 200 कॉल किया एंड बात करते करते अंदर घुस गया। मैं लिटरली एक टेंट के अंदर हूँ काइंड ऑफ। एंड ऑल्सो अभी अगर कोई मेरे को स्पॉट नहीं करता है कुछ देर में तो फिर मैं प्रयागराज से 500 रुपये जीत चुका हूँ। नेक्स्ट, जब सब सही चल रहा था एक आदमी रैंडमली आके मेरा नाम और नंबर मांगता है। क्या? बट देन मुझे पता चला कि वो खुद भटक रखा है। सो उसे इधर उधर गाइड करके मैं वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से मिला। हाय बॉयज, टाइम यहाँ से मूव करने का। हाय बॉयज, ये प्रोबेबली सही टाइम है बताने का। मैं बैकअप में 2-3 चीज़ें लेके आया था कि अगर मैं स्नीकिंग नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले ये वाली ड्रेस थी बट इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसे मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ। आईडी सर, आपकी आईडी कहाँ है? आईडी। नेक्स्ट कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था तो मैं टेंट से निकला एंड वहाँ पर मेरे सामने 100 बॉडीगार्ड्स थे। And just like that, concert start hua and sneak in successful. This is not how you warm up. You're doing it all wrong, man. You gotta get drunk, you gotta relax, you gotta chill out, you gotta groove that shit. Come on, man. We'll be right back.
मैं सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था एंड अब सिर्फ बैक स्टेज स्नीक इन करना बचा था। हाई बॉयज अटेम्प्ट टू स्टेज। सो पीछे के रास्ते से मैंने ट्राई किया बैक स्टेज जाने का एंड वेल इनफ बिना किसी दिक्कत के मैं वहां पहुंच चुका था। हाई बॉयज बैक स्टेज एंड देन सब सही चल रहा था एंड प्लान परफेक्टली काम करने वाला था अंटिल वहां पे मुझे एंट्री नहीं मिली। सो नेक्स्ट मैंने एक रैंडम आदमी से एलन वॉकर की हुडी ली एंड ट्राई किया घुसने की फॉर द सेकंड टाइम। हाय बॉयज हमें शर्ट चेंज करनी पड़ रही है। हाय बॉयज एलन वॉकर हुडी लेट्स गो। हाय बॉयज बैक स्टेज एंड देन मुझे एलन वॉकर की टीम का अज्यूम करके और बिना किसी दिक्कत के फाइनली एंट्री मिल गई। पधारी है लेडीज एंड जेंटलमैन प्रयागराज प्रधान जो मेरे से बैट हार चुका है। क्या कर सकते हैं गाइस, कैसा लग रहा है आपको बैट हारते हुए? बहुत दुख है लेकिन क्या करें, चेहरे पे खुशी तो है। मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको हार के? जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो भाई? क्या चाहिए आपको बताओ? बस जो डील के हिसाब से 500 रुपए। एंड एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं कॉन्सर्ट में गया था एक बैकअप टिकट लेके ताकि मेरे पे ट्रेसपासिंग का केस ना लग जाए, जो कि ये था, ये का सबसे पीछे। बट जब मैं कॉन्सर्ट में गया एक रैंडमली लड़की मेरे पास आई एंड उसने मेरे को फैन पिट के टिकट दिए। गाइस ये वाला टिकट आता है 2500 की आता है ना, और ये वाला टिकट थोड़ी महंगी आती है, लेकिन इसको कैसे मिल गया क्या पता ये नल्ले आदमी को जो मेरे से 500 रुपया ले गया, पता नहीं कैसे। बहुत लकी है गाइस, ये बहुत लकी है। और दोनों बैंड्स के साथ और मेरे से 500 रुपया भी लेगी। चलो ठीक है, इट वॉज नाइस डील एंड या दैट्स इट फॉर मी टुडे। सब्सक्राइब फॉर गुड लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। One day I'm gonna marry a porn star. We'll have a big ass crib and a long yard. We'll have a mansion and some fly maids. Nothing to hide, we both screwed.